हेलो हाय एवरीवन, दिस इज नेहा सैनी इन फ्रंट ऑफ यू। जैसा कि हम सब लोगों का फिजिक्स का प्रोजेक्टाइल का टॉपिक चल रहा था, तो आज जो हम करने वाले हैं वो एग्जैक्टली प्रोजेक्टाइल पे ही बेस्ड है। तो हमने जो प्रोजेक्टाइल में अब तक किया था वो था नॉर्मली हमारा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के लिए, यानी कि हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट जब हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली क्या करता है, मूव करता है, तो हमारा किस मतलब उस पर बेस्ड हमारा टाइम, हमारी जो रेंज होती है या कोई भी चीज किस उस पर डिपेंड करती है, वेलोसिटी वगैरह किस तरह से उस पर डिपेंडेंट रहती है। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो प्रोजेक्टाइल ही है, और सेम टू सेम हम वैसा ही करेंगे जैसा अब तक करते आए हैं। सिर्फ इसमें एक डिफरेंस आ जाएगा, वो है हमारा एंगल। और ये जो आज मैं टॉपिक कराने वाली हूँ, ये मैं श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि ये टॉपिक ना सिर्फ आपके एग्जाम के लिए, सिर्फ आपके सिलेबस को कंप्लीट कराने के लिए, आपकी डेली लाइफ में भी बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। आप बहुत से ऐसे काम करते होंगे जिनमें आपको कोई चीज फेंकनी होगी और आप चाहते हैं वो एग्जैक्ट उसी जगह जाके गिरे जहां पे आप उसको फेंकना चाहते हैं, और उसके लिए ये टॉपिक परफेक्ट है। तो अगर आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझते हैं तो ना सिर्फ आपके सिलेबस के लिए, आपके एग्जाम के लिए ये टॉपिक तैयार होगा, आपकी जो आपकी ऐसी एसेंशियल चीजें जो आप करते हैं और बहुत अच्छे से करना चाहते हैं उसमें भी बहुत काम आने वाला है। तो पहले मैं आपको समझा देती हूँ एग्जैक्टली हम लोग करना क्या चाहते हैं। देखिए, हम करने वाले हैं, हम एक ऐसा प्रोजेक्टाइल देखेंगे जिसमें सब कुछ हम अपने हिसाब से करेंगे। अपने हिसाब से मतलब जो ओलंपिक्स में गेम्स वगैरह किए जाते हैं, जो हमारा जेवलिन थ्रो वगैरह बहुत से ऐसे गेम होते हैं जिनको जो हमारा स्पोर्ट्समैन है वो चाहता है कि उसको वहीं फेंके जहां पे वो चाहता है कि वो गिरे। तो उस समय जब ट्रेनर उसको सिखाता है तो ट्रेनर उसको ये बात बहुत अच्छे से सिखाता है कि आपको अपना हाथ इतने एंगल पे रखना है, यानी कि कोई भी चीज फेंकने के लिए उसके ऊपर लगने वाला एंगल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब वो एंगल किस तरह से उस पर डिपेंडेंट है, किस तरह से इंपॉर्टेंस रखता है, वो चीजें हमें यहाँ सीखनी है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। इसको हम बोलेंगे प्रोजेक्टाइल गिवन ओब्लिक्यू प्रोजेक्शन। यहाँ जो ओब्लिक्यू है उसका मतलब ही एंगल है। देखिए, ओब्लिक्यू प्रोजेक्शन इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज नॉट थ्रोन वर्टिकली। हम नॉर्मली क्या करते हैं, कोई भी चीज ली और फेंक दी, वर्टिकली फेंकते ना, पहले ऊपर की तरफ फेंकते हैं, ऐसे ली और फेंक दी, ऐसे ही होता है। लेकिन अब सिर्फ ना हम उसको सिंपली वर्टिकली फेंकेंगे, हम उसको फेंकेंगे किसी एंगल पे। जब ट्रेनर किसी भी स्पोर्ट्समैन को बताता है कि आपको अपने हाथ को यहाँ रखना है, जब आप हाथ को यहाँ रख के फिर कोई चीज फेंकेंगे ना, एग्जैक्ट वहीं जाके गिरेगी जहां आप गिराना चाहते हैं उसको। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। तो देखिए, ये क्या करना है हमें यहाँ पे, तो ये बोल रहा है नॉट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड बट एट सम अदर एंगल, यानी कि किसी एंगल पे, सिर्फ वर्टिकली ना फेंके, किसी एंगल पे ले जाके उसको फेंके। तो आपका जो प्रोजेक्टाइल है उसको, उसके ऊपर आपको एंगल किस तरह से लगाना है वो हमें आज यहाँ पे सीखना है। तो अगेन हमारे पास दो पाथ होंगे, एक तो हॉरिजॉन्टली एक वर्टिकली, सिर्फ एक सिस्टम अलग हो जाएगा, वो है आपका एंगल। तो आपको किसका ध्यान रखना है, हमें यहाँ पे ध्यान रखना है हमारे एंगल का, कि किस तरह से हमारा एंगल काम करता है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। लेट एक्स इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन Let y is equal to distance traveled by object in vertically direction. Vertical डायरेक्शन। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको आपको डायग्राम से समझाती हूँ ताकि आपको एग्जैक्ट पता रहे हम करने क्या वाले हैं। भाई, ये हमारी वाई डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन, ये हमारी इनिशियल पॉइंट ओ, और ये हमारी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या हो गई, एक्स। इतनी सी चीजें तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। मान लीजिए मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी एंगल पे फेंका और वो जाके कुछ इस तरह से गिर गई, ठीक है।
तो हमारी जो ये वाली डायरेक्शन है ये हमारी हॉरिजॉन्टली क्या बनाती है, कोस थीटा, यू कोस थीटा। यू हमारी इनिशियल स्पीड है, इनिशियल वेलोसिटी है। ये कोस थीटा क्यों है मैं बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ, जिसने भी ये नहीं देखा है, नहीं पता है, प्लीज हमारे प्रीवियस वीडियो में जाके देखिए, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि हम हॉरिजॉन्टल वाली को यू कोस थीटा क्यों लेते हैं और हमारी जो वर्टिकल होती है उसको हम लेते हैं यू साइन थीटा, और इसको हम यू साइन थीटा क्यों लेते हैं ये चीज भी मैं बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। तो मान लीजिए कि मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी प्रोजेक्टाइल को यहाँ से फेंका और पी पॉइंट पे जाके, पी पॉइंट पे मुझे देखना है कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन के साथ किस तरह से अपना मोशन बनाता है। तो अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं तो ये वाली जो मेरी डायरेक्शन होगी ये होगी मेरी यू कोस थीटा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल के पैरेलल है। और अगर मैं देखूं कि जब ये नीचे जा रहा होगा या फिर मैं कहूँ ये जब ऊपर जा रहा होगा तो वर्टिकल डायरेक्शन में, तो ये क्या बना रहा होगा, यू साइन थीटा। अब हमें देखना है ये सिस्टम किस तरह से हमारे इक्वेशन ऑफ मोशन को फॉलो करती है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम देखेंगे वो देखेंगे हमारी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मुझे पता है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एक्स डायरेक्शन के लिए है। तो आप एक इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे जो कि किसके लिए होगी, आपकी एक्स के लिए। तो क्या हो जाएगी, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और मैंने ये चीज आपको बहुत बार बहुत अच्छे से, जब पिछली बार आपको प्रोजेक्टाइल वाली आपकी वीडियो थी उसमें बताया था, जब आप एक्स डायरेक्शन के लिए करेंगे तो यहाँ यू के साथ एक्स लगाएंगे और यहाँ ए के साथ भी क्या लगाएंगे, ए के साथ भी एक्स लगाएंगे। अब आपको कॉम्पोनेंट्स देखने हैं कि ये जो कॉम्पोनेंट्स है आपके ये किस किस तरह से यहाँ पे वैल्यूज को पुट आउट करते हैं। आइए चलिए देखते हैं। हमारे जो यहाँ पे इनिशियल पोजिशन है वो हमारी क्या होगी, जीरो। फिर उसके बाद हमारा जो यू एक्स है, अब देखिए मैंने अभी अभी कहा, पहले जब हमने वीडियो बनाई थी तो हमने यू एक्स के जगह रखा था यू, क्योंकि हमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल से मतलब था, लेकिन अब यहाँ मतलब जो बन गया है वो बन गया है हमारा थीटा के साथ, एंगल के साथ। तो अब आप यहाँ पे नॉट ओनली यू लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यू कोस थीटा। ये यहाँ इम्पोर्टेंट चीज थी, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था हमारा इस वाले में, क्योंकि आप जितने भी न्यूमेरिकल्स करेंगे जो हमारी लास्ट में हमारी वैल्यू निकल के आएगी उस पर डिपेंड करेगा, और अगर हम उसमें कुछ भी मिस्टेक करते हैं तो हमारा न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। प्रोजेक्टाइल का टॉपिक जो हम अब देखने वाले हैं ओब्लिक्यू का, दैट सो इम्पोर्टेंट, सो प्लीज टेक केयर ऑफ इट। देखिए अब हमें जो वैल्यू रखनी है वो रखनी है हमारी ए एक्स की, और हमें पता है कि हमारा हॉरिजॉन्टल पे वेलोसिटी कॉन्स्टेंट होती है। प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी जो होती है, इनिशियल वेलोसिटी, वो आपकी होरिजन के साथ कांस्टेंट होती है, तो एक्सेलरेशन जीरो होता है। ये बात भी मैं बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। तो अब ये सारी चीजें हमें क्या करनी है, यहाँ पे पुट करनी है। तो क्या आ जाएगा, पुट कीजिए, एक्स हमारा एक्स रहेगा, ये हमारा जीरो हो जाएगा एक्स नॉट प्लस यू एक्स की जगह आप क्या रखेंगे, यू कॉस थीटा टी, टी आपका टी ही रहेगा, प्लस जीरो टी स्क्वायर, जीरो हाफ टी स्क्वायर, तो ये पूरी वैल्यू आपको जीरो हो जाएगी। दैट इज एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा टी। अब हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, हम यहाँ से टी निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, एक्स बाय यू कॉस थीटा। ये वैल्यू हमें रिक्वायर होगी अभी जब हम हमारा वर्टिकल का करेंगे तब हमारे ये यूज होगी। तो ये कैसे किया मैंने वो आपके समझ में आया, जब हमने सिर्फ हॉरिजन का किया था तब आपकी वैल्यू यहाँ निकल के आई थी t इज इक्वल टू एक्स बाई यू। ये सिर्फ नॉर्मल के लिए था, ओब्लिक्यू किसी एंगल पे नहीं था, बट अब जो हम कर रहे हैं वो ओब्लिक्यू प्रोजेक्शन है हमारा, यानी कि किसी एंगल पे। तो हमारा यहाँ पे u के साथ क्या आ गया, cos थीटा। यही टर्म हमारी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है और आप इसको बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। चलिए अब हमारा करते हैं यहाँ पे वर्टिकल। जैसा कि हमने यहाँ पे हमारे इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी थी हमारी एक्स डायरेक्शन के लिए, अब जो हम रखेंगे वो रखेंगे हमारी वाई डायरेक्शन के लिए, यानी कि इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर वाई डायरेक्शन। तो वो हमारी क्या हो जाएगी, वाई इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये चीज समझ में आई, और जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ वाई के लिए है तो यू के नीचे वाई और ए के नीचे क्या हो जाएगा आपका y, जैसा हमने यहाँ पे लिखा था एक्स एक्स, वहां के क्या लिख दिया y y। अब जैसे हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट आउट की थी ऐसे ही हमें यहाँ पे भी वैल्यूज देखनी है
कि जब हम किसी भी चीज को वर्टिकल फेंकते हैं या कोई भी चीज नीचे आती है तो किस तरह से वो वर्क करती है, वो चीज हमें देखनी है। आइए चलिए देखते हैं। हमारा अगेन जो हमारा वाई नोट है वो जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं यू वाई की, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। देखिए जब हमारी जो वेलोसिटी थी वो एक्स डायरेक्शन में थी तो हमने लिया था कोस थीटा। अब हम अगर वाई डायरेक्शन में ले रहे हैं तो हम कोस थीटा नहीं लेंगे, ना ही ओनली यू लेंगे, हम लेंगे साइन थीटा, क्योंकि हम जो प्रोजेक्शन सीख रहे हैं वो किस में सीख रहे हैं, वो सीख रहे हैं हम लोग ओब्लिक्यू में, यानी कि एंगल पे। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम किस पे फेंक रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, वर्टिकली कर रहे हैं, तो क्या लेंगे हम यहाँ पे साइन थीटा। तो ये हो जाएगा आपका यू साइन थीटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको अच्छे से देखिए। अब बात करते हैं हम लोग किसके लिए, ए के लिए, एक्सेलरेशन के लिए। तो यहाँ पे जो आप एक्सेलरेशन लेंगे दैट इज वाई वाई जी, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब मैंने ये यहाँ ऐसे माइनस क्यों लगाया, क्योंकि देखिए जब हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो पहले ऐसे करके फेंकते हैं, है ना, कुछ इस तरह से, तो जो हमारी ग्रेविटी है वो ऐसे जाएगी तो किस डायरेक्शन में आएगी, नेगेटिव में। तो जब भी आप अपना प्रोजेक्शन देखेंगे प्रोजेक्टाइल में, हमारी वर्टिकल डायरेक्शन में, तो आप एंगल पे क्या लेंगे, माइनस जी। अब आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, सारी वैल्यूज को पुट करना है, करके देखें। y इज इक्वल टू जीरो प्लस y u y की जगह क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा u साइन थीटा t, ध्यान से देखिएगा एक एक चीज को, माइनस, क्योंकि माइनस है तो मैं पहले ही माइनस लगा रही हूं, हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये तो आ गई हमारी वो वैल्यू जो हमने यहां से वैल्यूज निकाली थी, वो पुट आउट करके ये मिल गया। तो फाइनल जो है हमारे पास, वो हमारे पास कुछ इस तरह का आ जाएगा, साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब ये हो गया हमारे किसके लिए, वर्टिकल के लिए। लेकिन अभी ये यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि मैंने अभी अभी आपसे कहा था कि ये जो हमारी एक्स ये टी की वैल्यू आई है ना, ये हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो जहां भी टी टी है उसकी वैल्यू को आप यहाँ से लेंगे और वहां पुट करेंगे। आइए चलिए करके देखते हैं क्या आता है। तो ये आएगा वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा, और टी की वैल्यू क्या है हमारी, एक्स बाय यू कोस थीटा माइनस हाफ जी एक्स बाय यू कोस थीटा स्क्वायर। आप चाहे तो इसको यहीं पे भी छोड़ सकते हैं, या फिर इसकी वैल्यू को ऐसे भी लिख सकते हैं, वाई इज इक्वल टू यू, ये हो जाएगा आपका एक्स टेन थीटा। टेन थीटा क्यों आया हमारा, क्योंकि साइन बाय कोस क्या होता है हमारा, ये सॉरी यहाँ से यू आप कैंसिल भी कर सकते हैं, तो इसको रहने दीजिए। ये हो जाएगा आपका एक्स टेन थीटा, क्योंकि साइन बाय कोस क्या आ जाएगा, टेन थीटा। और ये वैल्यू आपकी जैसी थी वैसी की वैसी ही रहेगी, यानी कि एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। इस वैल्यू को याद कर लीजिए अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे तब आपको ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए सबसे पहली बात मैं आपको ये बहुत अच्छे से बता दूं, प्रोजेक्टाइल का जो टॉपिक है वो आपको एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जा सकता है डेरिवेशन के थ्रू। आप बोल सकते हैं डेरिवेशन ऑफ ओब्लिक्यू प्रोजेक्शन, तो आपको ये पूरा करके दिखाना है। इसके बाद की जो हमारे नेक्स्ट टर्म्स होंगी, यानी कि हमारा टाइम जो हम निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, या फिर हमारा कोई भी रेंज वगैरह जो निकालेंगे हम, मैक्सिमम रेंज हाइट मैक्सिमम हाइट, ये सारी चीजें आपसे पूछ ली जा सकती है, और ये पूरा 5 मार्क्स का आता है। तो आप इसको बहुत आराम से बहुत ध्यान से करिएगा। ये मैंने कैसे निकाला, कैसे इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी है दोनों के लिए, हॉरिजॉन्टल के लिए वर्टिकल के लिए, फिर किस तरह से मैंने वैल्यूज फाइंड आउट की हैं, कैसे वैल्यूज को पुट किया, कैसे वैल्यूज निकाली हैं, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। और मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ एंगल्स चेंज हुए हैं थोड़े बहुत। तो इसको बहुत अच्छे से करके देखिए, जल्दी से इसको अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो नोट्स देखिए, क्योंकि इनके ऊपर अभी न्यूमेरिकल भी करेंगे हम लास्ट में, क्योंकि आपको पता है ना प्रोजेक्टाइल पे न्यूमेरिकल तो कंपल्सरी है भाई। देखिए हमारा प्रोजेक्टाइल का जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, ये हमने पहले भी किया था, लेकिन वो हमारा नॉर्मली किसके लिए था, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के लिए। लेकिन अब जो करने वाले हैं दैट इज ऑब्लिक्यू ऑब्जेक्ट प्रोजेक्शन।
तो अब हम देखेंगे कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है एयर में वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों कंपोनेंट के लिए किस तरह से डिफाइन होता है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए। तो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, इट इज द टोटल टाइम फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज इन फ्लाइट। ये वो टाइम है जिसमें आपका जो ऑब्जेक्ट है वो टोटली टाइम फ्लाइट में होगा। फ्लाइट का मैं आपको समझा चुकी हूँ कि जब हवा में रहता है, रिमेन्स इन एयर मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, तो जब हवा में रहता है ना ऑब्जेक्ट तो वो टोटल टाइम उसका क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि जिस टाइम वो टोटली किस में रहता है, एयर में रहता है। सो व्हाइल गो फ्रॉम ओ टू एच, वो मैं अभी बताऊंगी आपको डायग्राम बना के, ओ टू बी, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी। जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है आपका वो क्या होता है, कैपिटल टी। तो मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ एग्जैक्टली यहाँ क्या चल रहा है। देखिए जैसा कि मैं हमेशा डायग्राम बनाती हूँ, मान लीजिए कि ये हमारी y डायरेक्शन, ये हमारी x डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पे हमारा ओरिजन है और कोई भी ऑब्जेक्ट हमने फेंका है और वो ऑब्जेक्ट जाके कहाँ गिर गया है, मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये आपका O और ये जो हमारा पॉइंट हमने यहाँ माना है इसको माना है H। ये मैंने H क्यों लिया है, ये मैक्सिमम हाइट है जहां पे ऑब्जेक्ट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस चोक होल्डर को फेंकूं तो एक लिमिट होगी, जब मैं इसको फेंकूंगी तो ये सिर्फ यहाँ तक ही जाएगा, फिर नीचे आके गिर जाएगा। दैट्स मीन इसका ऐसे जाना और सिर्फ ये लास्ट पॉइंट, ये लास्ट ऊंचाई, ये लास्ट हाइट जहां तक ये पहुंच सकता है वो पॉइंट हमारा क्या होगा, एच होगा। देन उसके बाद ये नीचे आएगा और नीचे आके कहां गिर जाएगा, नीचे, और जहां ये आके गिरेगा उस पॉइंट को हम नाम देंगे बी, ठीक है। ये हमारी एक्स डायरेक्शन है और ये हमारा पॉइंट बी है जहां पे जाके ऑब्जेक्ट क्या करेगा, गिर जाएगा। इतनी सी चीज आपके समझ में आए कि मैंने डायग्राम किस तरह से बनाया है। ये हमारी मैक्सिमम हाइट है जहां तक ऑब्जेक्ट जाएगा। देन उसके बाद हमारा जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो कहां से कहां होगा, जब ऑब्जेक्ट ओ से चलेगा और बी पर पहुंच जाएगा, और इसको शो किससे करेंगे, हम डिनोट करेंगे इसको कैपिटल टी से। इजी, अब शुरू करते हैं। ये इतना इजी नहीं है, इसको ध्यान से समझेंगे तब आपके ये टॉपिक समझ में आएगा कि ये टॉपिक आखिर कहना क्या चाह रहा है। शुरू करें, देखिए, द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। जो हम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे हमारे ओब्लिक्यू प्रोजेक्शन के लिए, वो हमारे टू पार्ट्स में कंसिस्ट होता है, टू पार्ट्स होते हैं इसमें। फर्स्ट देखिए, टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू गो फ्रॉम जीरो टू हाइट एच। पहला जो हमारा पार्ट होगा वो होगा हमारा ओ टू एच, ये वाला पार्ट आपका, ये हमारा फर्स्ट पार्ट होगा, और इस पार्ट को हम नाम देंगे असेंट। असेंट क्योंकि यहाँ पे हमारी वेलोसिटी काम करती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंकने के लिए, प्रोजेक्टाइल बनाने के लिए उसको इनिशियल वेलोसिटी देनी होती है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो ये इनिशियल वेलोसिटी कहीं जाके जीरो हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल हमने फेंका और ऑब्जेक्ट यहाँ आया, तो यहाँ जाके फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, बिल्कुल रुक जाएगी। तो हमारा पहले वाला ये होगा जहां पे वेलोसिटी इंक्रीज 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 होती है और फिर एकदम से जीरो हो जाती है, तो उसका नाम यहाँ पे क्या रखा है, असेंट। तो फर्स्ट पार्ट ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा हमारा असेंट। ओके, नेक्स्ट देखिए, टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट गो फ्रॉम एच टू बी। अब हम जाएंगे एच टू बी, यानी कि ये वाला पार्ट हमारा, ये जो हमारा एच टू बी है ये वाला पार्ट होता है हमारा डिसेंट। यहाँ पे जब हमारी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो ड्यू टू ग्रेविटी ऑब्जेक्ट कहाँ आके गिर जाता है, नीचे आके गिर जाता है, बस यही हमें डिफाइन करना है। तो टोटल टाइम देखिए, टोटल टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू असेंट में और डिसेंट में, असेंट प्लस डिसेंट। अब असेंट प्लस डिसेंट को आप कैसे लेंगे, मान लीजिए यहां से यहां जाने में भी टी टाइम लिया, स्मॉल टी, और यहां से यहां जाने में भी कितना टाइम लिया, स्मॉल टी, और जो हमारा टोटल टाइम होगा, जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगी वो क्या होगी, कैपिटल टी। तो कैपिटल टी इज इक्वल टू टी प्लस टी, कितना हो जाएगा आपका, टू टी। तो आपका स्मॉल टी किसके इक्वल आ जाएगा, टी बाय टू के। ये हमें यूज करना है इसलिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ। मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट यहां से गया और हाइट तक उसने टाइम लिया स्मॉल टी,
उतना ही उसने डिसेंट में लिया स्मॉल टी। अब एक टाइम ऐसा आएगा कि टोटल हम गिनेंगे कि वो टोटल कितनी फ्लाइट में रहा, मतलब कितनी देर फ्लाइट में रहा, तो उसको डिनोट किससे करते हैं हम, कैपिटल टी से। तो कैपिटल टी इज इक्वल टू असेंट में कितना टाइम लिया स्मॉल टी, डिसेंट में कितना लिया स्मॉल टी, टोटल कितना हो गया 2t। हमें तो स्मॉल टाइम निकालना था सिर्फ हाफ पार्ट का, तो कितना आ गया कैपिटल टी बाय 2। तो ये तो था हमारा सिंपली किसके लिए, हमारा टाइम निकालने के लिए। अब हमें इसकी एंगल में वैल्यू निकालनी है, तो एंगल पे इसकी वैल्यू क्या होगी वो देखिए, बहुत इजी है। हमें क्या करना है, हमें लिखनी है अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन। तो वी वाई इज इक्वल टू यू प्लस एटी, ये वैल्यू आपको थोड़ी थोड़ी कुछ याद होगी, मैंने लिखवाई थी, याद है इक्वेशन ऑफ मोशन। अब आप खुद देखिए, हमारी जो इनिशियल, जो हमारी फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल तो हम देंगे, इनिशियल तो हमारे लिए जरूरी है, और जब इनिशियल देंगे तो वर्टिकल डायरेक्शन में देंगे। तो आइए इनकी वैल्यूज लिखते हैं क्या क्या आएंगी। तो हमारा जो वी वाई है वो तो सिंपली क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, इनिशियल वेलोसिटी दी, इनिशियल दी, और एक टाइम पे आके यहाँ पे हाइट पे मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को फेंका, और एक टाइम पे आके ऑब्जेक्ट यहाँ आया, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। फिर जब वो नीचे गिरता है ना, तो ग्रेविटी की वजह से गिरता है, किसी वेलोसिटी की वजह से नहीं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से गिरता है। तो इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। तो उसकी फाइनल वेलोसिटी हम यहाँ पे क्या कर देंगे, जीरो। और हमारा जो यहाँ पे यू आई है उसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी बताइए, वो हो जाएगी हमारी यू साइन थीटा, क्योंकि हम ऐसे फेंकेंगे ना ऐसे, तो ऐसे हमारा कौन सा कंपोनेंट आएगा, ऐसे हमारा आएगा यू साइन थीटा, और ओरिजोनटली क्या होता है, यू कोस थीटा। तो अब ऐसे फेंक रहे हैं, अगर ऐसे फेंकते तो इसके पैरेलल आता, तो यू कोस थीटा लेते, लेकिन ऐसे फेंक रहे हैं, पहले ऐसे किया वर्टिकल, तो क्या लेंगे यू साइन थीटा। तो ये हो गया हमारा यू साइन थीटा। ए को क्या लेंगे, ए बताइए आप, ए सोच के देखिए, ए क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव आएगा, ये हमारे लिए सोचने की बात है। तो ए हमारा क्या आएगा, ए आएगा हमारा माइनस का जी। इतनी सी बात समझ में आई कैसे किया। और टाइम आपको बताइए, टाइम हमारा क्या चल रहा है, टाइम एकदम बढ़िया चल रहा है, लॉकडाउन में घर पे फ्री खाओ पियो सोना पूरे दिन, लेकिन यहाँ आपको टाइम क्या लेना है, टाइम लेना है आपको टी बाय टू। चलिए ये सारी वैल्यूज अपने पुट करते हैं इक्वेशन में, तो क्या आ जाएगी, वी वाई हमारी जीरो, इधर हमारा यू वाई की जगह आ जाएगा यू साइन थीटा माइनस जी टी। तो ये कुछ कुछ इस तरह से आ जाएगा आपका, एक मिनट कहीं पे कुछ गड़बड़, सॉरी टी की जगह टी बाई टू भी तो रखना है, टी बाई टू। तो आपका जो टाइम आ जाएगा आपका यहाँ पे यू साइन थीटा आपका इधर पे हो जाएगा यू साइन थीटा बाई टू जी। देखिए ये हमारे पास क्या निकल के आ गया है आपका, सॉरी यहाँ पे टू आपका नीचे नहीं ऊपर आएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या निकल के आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट, याद कर लीजिए, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टाइम कितना निकल के आया, टाइम हमारा निकल के आया है टू यू साइन थीटा बाय जी। ये आपकी वो वैल्यू है, अब जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगी तो आपको बहुत बार इस्तेमाल होने वाली है। तो अच्छे से इस इक्वेशन को किस तरह से मैंने निकाली है, कैसे टाइम ऑफ असेंट एंड डिसेंट निकाला है, कैसे टाइम मैंने टी बाई टू रखा है, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अगर आपके ये समझ में आ गई ना, फिर आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं हो जाएगा। अगर आप इसको अच्छे से देख लेते हैं तो न्यूमेरिकल्स तो आपके लिए नथिंग है, क्योंकि आपको सिर्फ क्या करना है, अपनी वैल्यूज को देखना है और पुट आउट करना है, बस। कहाँ मुश्किल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है भाई, सब कुछ आसान होता है, सिर्फ करने वाले होने चाहिए। तो अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आप नोट्स बनाते हैं तो नोट्स में लिख लीजिए, और इसको बहुत अच्छे से माइंड में भी रखना है, क्योंकि माइंड में रखेंगे तो ही सब कुछ कर पाएंगे। जल्दी से हमारे जो नेक्स्ट दो डेरिवेशन रह गए उनको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज। दोनों ही एक दूसरे से रिलेट करते हैं, इसलिए मैंने एक साथ ही लिख लिया है। इन दोनों को समझना उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना हमारी लाइफ में प्रोजेक्ट है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देती हूँ कि डेफिनेशन यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश कर रही है। तो डेफिनेशन इज, इट इज द मैक्सिमम वर्टिकल हाइट अटेन बाय द ऑब्जेक्ट अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट। मैक्सिमम हाइट
यानी कि जब, देखिए मैं आपको इसको डायग्राम से समझाती हूँ, क्योंकि जो चीजें डायग्राम से समझ में आती है ना वो किसी से नहीं आती। तो ये आपकी क्या है, मान लीजिए मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ फेंका, ये मेरी इनिशियल क्या थी, इनिशियल पॉइंट ओ था। अब मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट को जब मैंने वर्टिकली फेंका तो उसकी कुछ ना कुछ क्या रही होगी, मैक्सिमम हाइट रही होगी कुछ ना कुछ। तो ये पॉइंट जहां तक कोई भी ऑब्जेक्ट पहुंच सकता है जब हम उसको इनिशियल वेलोसिटी देंगे, तो वो पॉइंट एच आपका क्या होगा, मैक्सिमम हाइट होगी। और इसको डिनोट किससे करेंगे हम, कैपिटल एच से। तो आपको इन चीजों को क्या करना है, देखना है, और फिर इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, हमारी मैक्सिमम हाइट की, कि कितना ऊंचा, कितने ऊपर तक कोई भी ऑब्जेक्ट जा सकता है जब आप उसको क्या प्रोवाइड करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। टॉपिक बहुत आसान है, चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि जब हम किसी भी चीज को फेंकेंगे इनिशियल वेलोसिटी के साथ, तो हमें उसको वर्टिकली फेंकना होता है पहले। तो अगर वर्टिकली फेंकना है तो इतनी सी बात तो सिंपल है कि हम कौन सा कॉम्पोनेंट लेंगे, हमारा वाई कॉम्पोनेंट, क्योंकि हमें वाई डायरेक्शन में वर्टिकली फेंकना है, हमारा वाई ही हमारी वर्टिकल को शो कर रहा है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी वाई डायरेक्शन के लिए, वाई इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब तक तो ये याद भी हो गई होगी आपको, इजी है। फिर उसके बाद जैसा कि हमेशा बोलती हूँ, वाई लगाना है आपको ए के साथ और यू के साथ। देखिए अब हमने हमारे यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन लिख ली है, किसके लिए, हमने यहाँ पे किसके लिए लिखी है, हमारी वर्टिकल के लिए। डायग्राम जैसा कि हमने अभी अभी यहाँ पे ड्रॉ किया था, हमारा ये एक्स, ये हमारी वाई डायरेक्शन हो गई, ये हमारी एक्स डायरेक्शन हो गई, ये हमारा इनिशियल ओ, ये हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये हमारी क्या है, ये है हमारी हाइट, मैक्सिमम हाइट जो हमें निकालनी है, जो हमें रिक्वायर है अभी, कि कितनी अब तक हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं, हमारा जो वैल्यूज है उनको देखते हैं क्या क्या होगी। तो हमें पता है हमारा जो वाई नॉट होता है वो हमें हमेशा क्या होता है, हमारा जीरो। अब हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, हमारी मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट यानी कि हमारी वाई जो है उसको डिनोट करेंगे हम एच से। फिर उसके बाद हमारा जो यू है, यू वाई जो है वो हम किसके लिए निकाल रहे हैं, वर्टिकल कॉम्पोनेंट के लिए, क्योंकि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे तो ऐसे ही तो फेंकेंगे, तो वर्टिकल जो उसका होगा वो उसका क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा, सो सिंपल। देन उसके बाद आपके जो टाइम की वैल्यू है वो क्या लिखी थी हमने, टी बाई टू। अगर ये हमारी टी बाई टू थी तो हमारी फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी यू साइन थीटा बाय जी। याद रखनी है भाई ये वैल्यू हमारी, u sin theta by g, वैसे 2u होता है लेकिन नीचे 2 है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने पहले यहाँ क्या लिख दिया, 2 sin theta by g। हमारा acceleration due to gravity क्या हो जाएगा, अब उस पे वैल्यू बताइए, वो हो जाएगा हमारा माइनस g, क्योंकि ऐसे फेंकेंगे ना opposite direction में। हमारा g क्या करता है, किसी भी चीज को नीचे लेके आता है। अगर हम यहाँ पे डिसेंट की बात करते हैं तो पॉजिटिव जी लेते हैं, अगर हम असेंट की बात करते हैं तो नेगेटिव जी लेते हैं, यानी कि अर्थ से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो क्या लेंगे हम, माइनस का जी। अब इन सारी वैल्यूज को आपको इस इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या करना है, पुट करना है। जैसे ही हम इसमें पुट कर लेंगे, सॉल्व करके देखेंगे कि हमारा जो मैक्सिमम रेंज है वो क्या है। चलिए शुरू करते हैं। तो वाई की जगह हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट, यू की जगह हमारा क्या हो जाएगा, जीरो प्लस u sin theta, और t टाइम की वैल्यू क्या है हमारी, u sin theta by g minus g 1 by 2 g, और t की वैल्यू क्या है हमारी, ये हो जाएगी u square sin square theta by g square, easy। देन उसके बाद आप इसको सोल्व करेंगे, h is equal to u square, u क्या हो जाएगा, u square, ऐसे ही आपका क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा, जी अगेन माइनस 1 बाय 2, जी टू जी आपका कैंसिल, नीचे आपका जी आ जाएगा और ऊपर क्या होगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये पूरी वैल्यू आपकी सेम है दोनों साइड, जो आपकी पूरी वैल्यू सेम है, सिर्फ ये हाफ आ गया। इसका मतलब अगर आप 1 में से 1 बाय 2 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 1 बाय 2, तो आपका जो फाइनल रिजल्ट होगा दैट इज h इज इक्वल टू 1 बाय 2 u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय g। ये वो फॉर्मूला है जो हमें चाहिए, जो बार 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 हमारा यूज होगा,
जिसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे हमारे न्यूमेरिकल्स में। फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा। हाफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी, हाफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी, हाफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी। तो ये किसकी वैल्यू आ गई है? ये वैल्यू आ गई है हमारी मैक्सिमम हाइट की, जो हमें न्यूमेरिकल्स में रिक्वायर्ड होगी, जिसमें हमें पूछा जाएगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट को हम थ्रो कर रहे हैं, कहीं से भी फेंक रहे हैं, तो वो कितनी मैक्सिमम हाइट तक ऊपर जाएगा, यानी कि कितनी ऊपर तक वो फेंका जाएगा, मैं कितने एंगल पे फेंक रही हूँ, कितनी इनिशियल वेलोसिटी दे रही हूँ, तो कितनी मैक्सिमम हाइट को कवर करेगा, वो ही उसका क्या होगा, मैक्सिमम हाइट होगी। अब जो हम करने वाले हैं, दैट इज हॉरिजॉन्टल रेंज। अब ये हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है, चलिए देखते हैं। इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट बिटवीन इट्स पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड द पॉइंट ऑफ हिटिंग द ग्राउंड। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ये आपका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन होता है जहां से ऑब्जेक्ट को फेंका जाता है। जैसे कि मान लीजिए मेरा हाथ है ये, तो यहां से पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन होगा और मैं ऐसे फेंकूं तो एक टाइम पे जाके एक जगह ये गिर जाएगा, और गिरने वाली जगह क्या है ये, तो इन दोनों के बीच की जो ये आपके डिस्टेंस है, यही हमारी क्या होती है, रेंज। समझ में आया मैंने क्या कहा, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड पॉइंट ऑफ हिटिंग द ग्राउंड, जहां पे ये जाके हिट करेगा ग्राउंड को, इन दोनों के बीच की जो ये डिस्टेंस है, यही हमारी क्या होती है, रेंज, मैक्सिमम रेंज। इसको जो डिनोट करते हैं, दैट इज कैपिटल आर। इजी था? अब जब हम इसकी डेरिवेशन देखेंगे, फिर उसके बाद एक हमारा फॉर्मूला निकल के आएगा, जिससे हम क्या निकाल सकते हैं, मैक्सिमम रेंज। ठीक है, शुरू करें। देखिए, मैक्सिमम रेंज निकाल रहे हैं, तो एक फॉर्मूला आपको छोटा सा याद रखना है, दैट इज u cos थीटा इंटू टी, u cos थीटा इंटू टी। अब u cos थीटा आपका u cos थीटा ही रहेगा एज इट इज, बट आपकी जो t होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, दैट इज 2u sin थीटा बाय g। पता है ना कैपिटल t की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, 2u sin थीटा बाय g। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो u आपका और यहाँ क्या हो जाएगा, 2 sin थीटा cos थीटा बाय g। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको मैथ्स आनी चाहिए थोड़ी सी, क्योंकि आपको पता होगा कि जो फिजिक्स है उसका सीधा सीधा रिलेशन कहीं ना कहीं मैथ्स से होता है। अगर आपको मैथ्स आता है, मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा बहुत आता है आपको, तो ट्रिग्नोमेट्री में आपने एक फॉर्मूला देखा होगा, 2u sin थीटा cos थीटा, ये आपका एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला बन जाता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, जिसकी वैल्यू होती है sin 2 थीटा, sin 2 थीटा। अगर आपको ये वैल्यूज याद हैं तो आप इजीली कर लेंगे, अदरवाइज थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। तो लास्ट फॉर्मूला हमारा क्या आएगा, दैट इज u sin 2 थीटा बाय g, ये हमारा फॉर्मूला। एक मिनट, यहाँ u था तो हमारा क्या हो जाएगा, u स्क्वायर, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g, ये हमारी क्या निकल के आ गई है, ये निकल के आ गई हमारी मैक्सिमम रेंज। कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इनिशियल वेलोसिटी के साथ फेंकते हैं किसी एंगल पे, तो वो कहाँ जाके गिरेगी, कितनी दूर जाके गिरेगी, वो ही उसकी क्या होगी, मैक्सिमम रेंज। आई होप आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जैसा कि मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ कि आपकी जो ये फॉर्मूलाज निकल के आए हैं ना, ये फॉर्मूला सिर्फ आपका ये न्यूमेरिकल्स में यूज नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स नहीं बताएंगे, आपके इनमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। अभी कंसेप्चुअल क्वेश्चन किस तरह से आएंगे वो समझिए, आपसे पूछा जा सकता है कि आपके प्रोजेक्टाइल की जो मैक्सिमम हाइट होती है वो किन किन कंपोनेंट्स पे डिपेंडेंट है। मान लीजिए कि आपको ये पता है, ये फॉर्मूला है, क्योंकि कंसेप्चुअल करने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, अदरवाइज आप पता ही नहीं पाएंगे किस किस पे डिपेंड है। तो कंसेप्चुअल आप कैसे करेंगे, आप कहेंगे कि जो हमारी हाइट होती है, हमें ये पता है ये फॉर्मूला है हाइट का, तो आपका कौन कौन सा होगा, एक तो आपको इनिशियल वेलोसिटी पता होना चाहिए, प्रोजेक्शन एंगल पता होना चाहिए कितने एंगल पर फेंक रहे हैं, और आपकी ग्रेविटी, ग्रेविटी तो एग्जैक्टली हमारी क्या होती है, कॉन्स्टेंट ही होती है, तो उसकी वैल्यू इतनी आपकी इफेक्ट नहीं करती है, तो किस किस पे करेगी, इनिशियल वेलोसिटी पे और आपके एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे। सेम ऐसा ही आप बता सकते हो कि आपकी जो मैक्सिमम रेंज है, यानी कि कितनी दूर तक वो जाके गिरेगा प्रोजेक्टाइल, जो ऑब्जेक्ट है कितनी दूर जाके गिरेगा, वो आपका किस किस पे डिपेंड करता है, आपका अगेन दोबारा से इनिशियल वेलोसिटी पे और आपके एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे।
तो इस तरह के कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत से पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं, तो आपको इनका भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किस तरह से, अगर मैं कहूं कि इनिशियल वेलोसिटी को अगर बढ़ा दिया जाए, सुनिएगा ध्यान से, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी को बढ़ा दूं तो आपकी हाइट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो याद है मैंने आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल कराया था, तो आप देख सकते हैं कि जो हाइट है वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपकी इनिशियल के। अगर आपकी इनिशियल वेलोसिटी बहुत तेज होगी, बहुत ज्यादा होगी, तो जो हाइट है वो मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट तक जाएगा। अगर मैं ऑब्जेक्ट को लूं और यहीं से गिर दूं तो यहीं गिर जाएगा, हाइट पे जाएगा ही नहीं। लेकिन मैं जितना पीछे लेके जाऊंगी अपने हाथ को, जितनी इनिशियल वेलोसिटी के साथ फेंकूंगी, तो ये ऑब्जेक्ट उतनी ही मैक्सिमम हाइट को क्या कर लेगा, अटेन कर लेगा। सेम ऐसा ही आपके रेंज में रहेगा, रेंज भी आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, यू के। सेम अगर मैं सिर्फ यहीं से फेंक दूंगी तो ये यहीं गिर जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी इंक्रीज करके फेंकूंगी तो बहुत दूर जाके गिरेगा। यानी कि इनिशियल वेलोसिटी आपका दोनों पे डिपेंडेंट है, आपकी मैक्सिमम हाइट को भी बढ़ाएगा और आपकी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज को भी बढ़ाएगा। तो इन चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, फॉर्मूले से ही सब कुछ सॉल्व होगा, चाहे आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाए या फिर कोई भी टिपिकल क्वेश्चन पूछा जाए या न्यूमेरिकल पूछा जाए। अगर फॉर्मूला आता है तो इजीली कर देंगे, लेकिन अगर फॉर्मूला नहीं आता है तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमारे तीनों डेरिवेशन जो वैल्यूज हैं वो हम फाइंड आउट कर चुके हैं, अब हम करेंगे हमारे ऑब्लिक्यू प्रोजेक्शन पे न्यूमेरिकल्स। तो चलिए फटाफट से इनको नोट डाउन कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और बताइएगा जरूर कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी, प्लीज कमेंट करिएगा। चलिए अब न्यूमेरिकल्स करते हैं।